हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक टैबलेट्स कि जो टैबलेट डोजेस फॉर्म है उसके बारे में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सो ये वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर फिफ्टी से लेकर सिक्सटी जो है हमारे क्वेश्चंस वो सॉल्व करेंगे एज अ फॉर्मेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जिसको हम कहते हैं एम सी सो दिस एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर मिस्टर अमर एम रावल बी फार्म एम फार्म एम फार्मास्यूटिक्स पी एच डी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर परसुंग पी एच डी फ्राम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात इंडिया सो यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग वन लेक फैमिली ऑफ फार्मर ऑक्स सो सिल्वर बटन यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड इज गिवन टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब आफ्टर द कम्प्लीसन ऑफ वन लैक फैमिली सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्या आप सभी के सपोर्ट के कारण फार्मर ऑक्स ने अपने एक लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन नेवर मिस एन फार्मा रॉक्स एक्सेस द टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल एंड वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मा रॉक्स सभी डाउनलोड करिए फार्मा रॉक्स ऐप ऑन गूगल प्ले एप्पल आईफोन एप ऑन एप स्टोर तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन बकल टैबलेट शुड बी डिसइंटीग्रेट इन हाउ मच अवर्स इन डिसंटीग्रेशन मीडियम की जो बकल टेबलेट होती है वो कितने टाइम के अंदर डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए डिसइंटीग्रेशन मीडियम के अंदर तो उसके ऑप्शंस दिए हैं वन टू थ्री और फॉर आवर्स तो क्वेश्चन यह है कि वन uh, आवर में होती है टू आवर्स थ्री या फिर फोर आवर्स के अंदर और क्वेश्चन है रिगार्डिंग द बकल टैबलेट्स कि जो बकल टैबलेट्स जो होती है वो कितने टाइम के अंदर डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए तो स्पेशली ये जो हमारा क्वेश्चन है डिसइंटीग्रेशन टाइम के बारे में है कि जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है अलग अलग टैबलेट्स का तो उसमें जो बकल टैबलेट है वो डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए फॉर आवर्स के अंदर इन डिसइंटीग्रेशन मीडियम तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे आप अच्छे से ध्यान रखिए कि जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे है हमारे पास टाइप ऑफ टैबलेट तो जिसके अंदर यहाँ पे देखिए बकल टैबलेट तो बकल टैबलेट का लिए जो डिसइंटीग्रेशन मीडियम की जो यहाँ पे बात की है तो डिसइंटीग्रेशन मीडियम शुड बी वाटर और एज पर द स्पेसिफाइड इन मोनोग्राफ कि जो भी ड्रग का आप बकल टैबलेट बना रहे हैं जो भी डोजेस फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग टू तो जो मोनोग्राफ के अंदर दिया होता है ड्रग के अकॉर्डिंग टू तो, उस तरह से आप मीडियम सेट करोगे टेम्परेचर रहेगा थर्टी सेवन प्लस और माइनस टू डिग्री सेल्सियस और जो लिमिट है वो है फॉर आवर्स तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा फॉर आवर्स तो जो बकल टैबलेट्स होती है वो और डिसंटीग्रेशन मीडियम के अंदर मिनिमम फोर आवर्स के अंदर उसका डिसइंटीग्रेशन होना चाहिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन उसके अलावा आप देखें तो अनकोटेड टैबलेट की जो वाटर है मीडियम और लिमिट रहती है एज पर इंडिविजुअल मानोग्राम सेम फॉर कोटेड एज पर इंडिविजुअल मोनोग्राम ग्राफ एंटरिक कोटेड जो हम देखें कि जो स्पेशली इंटेस्टाइन के अंदर आपको रिलीज करवानी है तो पहले आप सिम्यूलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूड के अंदर और उसके बाद सीम्यूलेट इंटेस्टाइनल फ्लूड के अंदर चेक करते हैं टेम्परेचर सेम रहता है और जीरो आवर सॉरी वन आवर इन सीम्यूलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूड एस पर द इंडिविजुअल मोनोग्राफ इन इंटेस्टाइनल फ्लूड फिर जो सब लिंगल टैबलेट होती है तो उसका भी एज़ पर द इंडिविजुअल मोनोग्राफ और उसके अंदर भी वाटर और एज पर स्पेसिफाइड इन मोनोग्राफ मतलब कि ये मोनोग्राफ इसलिए कि जो हम आईपी या फिर यूएसपी के अकॉर्डिंग टू आप काम कर रहे हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं एज़ पर आई और एज़ पर यू कर रहे हैं और जो आपकी ड्रग है वो ड्रग कौन से मीडियम के अंदर प्रॉपर डिस होती है या फिर डिसइंटीग्रेट होती है तो उसके बेसिस पे आप बनाते हैं एज़ वेल well एज जो कंडीशन की बकल टैबलेट के लिए जो ओरल कैविटी के जो रीज़न होता है उसके रिलेटेड पीएच चाहिए एंटेरिक कोटेड के लिए जो एंटेरिक रीजन होता है उसके रिलेटेड पीएच चाहिए सब के लिए सलाईवा जो होती है उसके साथ पीएच मैच हो ऐसा आपको मीडियम बनाना पड़ता है तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप का मोनोग्राफ के अंदर कौन से टाइप की कंडीशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग टी आप उसका फिर आगे मीडियम तैयार करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग टू रहती है लिमिट नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 टू इन डिसंटीग्रेशन टेस्ट फ्लास्क इज मेंटेन एट ऑप्शन फर्स्ट 37 सेवन प्लस और माइनस पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस 37 सेवन प्लस और माइनस टू डिग्री सेल्सियस 39 नाइन प्लस और माइनस पॉइंट और ऑप्शन डी फोर्टी प्लस और माइनस वन डिग्री सेल्सियस तो क्वेश्चन है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के अंदर जो फ्लास्क होता है कि उसको कौन से टेम्परेचर पे हम मेंटेन रखते हैं कि डीटी के अंदर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो हम कहते हैं करते हैं उसके अंदर जो फ्लास्क जो रहता है वो फ्लास्क को कितने टेम्परेचर पे हम मेंटेन रखते हैं तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी थर्टी सेवन प्लस और माइनस टू डिग्री सेल्सियस को डी के लिए यूजली जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो होता है थर्टी सेवन प्लस और माइनस टू डिग्री सेल्सियस और जो डिजोल्यूशन जो हम कहते करते हैं कि जो डिज़ो करते हैं उसके लिए जो टेम्परेचर होता है थर्टी सेवन प्लस और माइनस पॉइंट फाइव डिग्री होता है तो ये वाला ये वाला जो है वो डीजो के लिए जबकि ये डीटी के लिए है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए आगे सीखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री फ्लैट पंच यूजली प्रिवेंट द विच टैबलेट डिफेक्ट क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग द टैबलेट डिफेक्ट और क्वेश्चन का आंसर ही इस तरह से है कि आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सी डिफेक्ट होती है यूजली फ्लैट पंच यूज़ करने से और सॉरी कौन सी डिफेक्ट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो फ्लैट पंच होते हैं वो कौन सी टैबलेट डिफेक्ट को प्रिवेंट करते हैं कि समझो कि टैबलेट के अंदर जो डिफेक्ट आ रही है उसकी जो हम रेमेडी है या फिर उसका जो सॉल्यूशन का है तो वो है फ्लैट पंच क्या फ्लैट पंच यूज़ करोगे टैबलेट बनाते वक्त तो ये डिफेक्ट जो है वो नहीं आएगी तो ऑप्शंस दिए हैं कैपिंग लेमिनेशन ब्लूमिंग या फिर हैज़िंग तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैपिंग कि जो टैबलेट के अंदर जो कैपिंग का जो डिफेक्ट होता है कि उसकी जो एजिस की ये जो टैबलेट है और उसके जो एजिस होते हैं वो कई बार ब्रेक हो जाते हैं उसके सेप अल्टर होते हैं तो वो डिफेक्ट जो है वो एलिमिनेट आपको करनी है प्रिवेंट करनी है तो आप यूज़ करें फ्लैट पंच तो फ्लैट पंच यूजली प्रिवेंट द कैपिंग डिफेक्ट ऑफ टैबलेट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी प्लेटिंग ऑफ पंच आर डन बाय क्रोमियम जिंक आयरन और जर्मन सिल्वर तो जो पंच के ऊपर प्लेटिंग होता है प्लेटिंग ऑफ पंच फेसेस आर डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग तो उसका सही आंसर है क्रोमियम कि जो क्रोमियम मटेरियल है वो यूजली हम यूज करते हैं फॉर प्लेटिंग ऑफ पंच फेसेस क्वेश्चन नंबर 55 फाइव स्टा आर एक्स वन फाइव डबल जीरो यूज इन अ टैबलेट एज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर सुपर डिसिंटिग्रेंट डायल्यूएंट बाइंडर और फिलर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुपर डिसिटीग्रेंट कि जो स्टा आर एक्स पंद्रह सौ जो हम कहते हैं पंद्रह सौ की स्टा आर एक्स एंड वन फाइव डबल जीरो तो जो ये क्या है मॉडिफाइड आपका स्टार्ची है स्टार्च का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है और वो स्पेशली कि स्टार्च तो स्टार्च को हम एज अ डिसिनटीग्रेंट यूज़ करते हैं डिसिनटीग्रांट बट जब उसका हम कोई मॉडिफाइड फॉर्म फॉर्म बनाते हैं तो वो यूज़ होता है एज अ सुपर डिसिनटिग्रेटिंग एजेंट की जो स्पेशली जो हम फास्ट डिज़ोल्विंग टैबलेट हम बनाते हैं कौन सी टैबलेट्स फास्ट डिज़ोल्विंग टैबलेट ऐसी टैबलेट की हमें काफ़ी फास्ट डिज़ोल्व करवानी है विद इन टेन टू फिफ्टीन सेकेंड्स के अंदर या फिर यूजली 30 से लेकर 40 सेकंड के अंदर जब आपको टैबलेट को कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट करवा देनी है डिजल करवा देनी है तो उस वक्त हम ये सुपर डिसइंटीग्रेस यूज़ करते हैं। तो ये डालने से टैबलेट मिनिमम 10 से 15 या फिर 30 से 40 सेकंड के अंदर हो जाती है डिसइंटीग्रेट तो जब आप उसका डिसइंटीग्रेशन चेक करते हो तो वो टैबलेट कि स्टार्टिंग में ये आपकी टैबलेट है फिर उसको आप समझो कि इस तरह से कोई बीकर में डालते हैं तो बीकर में ये टैबलेट डालने के बाद आप समझो कि 15 से 20 सेकंड वेट करो तो तुरंत ही वो टैबलेट जो है वो वहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और नीचे समझो कि आपको इस तरह से उसका पाउडर मिलेगा तो ये है डिसइंटीग्रेशन के फटाफट फास्ट डिजोल्व हो जाती है टैबलेट बिकॉज ऑफ दिस इंग्रेडिएंट सुपर डिसइंटीग्रेंट जो काफी फास्ट आपके टैबलेट को डिसइंटीग्रेट करवाने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 सिक्स सेल इज ए ब्रांड नेम ऑफ कि जो एवी सेल जो हम कहते हैं वो कौन से एक्सीपिय का ब्रांड नेम है ऑप्शंस दिए हैं इथाल सेल्यूलोस स्प्रेड्राइड ड्राइड एचपीएमसी को प्रोसेस स्प्रे ड्राइड लैक्टोज एंड एम एंड ऑप्शन डी है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्युलस कि उसको भी हम शॉर्ट में कहते हैं एम ही कहते हैं तो ए वी सेल तो यहाँ पे हम चार ऑप्शन है अब उसमें से सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी कि माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोस एम सी सी जिसको हम कहते हैं एवी सेल तो एम सी सी इज इक्वल टू ए वी सेल ए वी सेल जो है उसका ब्रांड नेम है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूल का कि जो यूजली हम टेबलेट्स के अंदर एज अ डायल्यूंट यूज करते हैं तो ये है एम सी सी की जो ए वी सेल है फिफ्टी सेवन सी ए पी इज विच टाइप ऑफ पॉलीमर एंडेरिक कोटिंग सुगर कोटिंग फिल्म कोटिंग और ऑल ऑफ द अबव सी ए पी जिसको हम कहते हैं सेल्युलस एसिटेट थैलेट सेल्यूलोस एसिटेट थैलेट तो वो कौन से टाइप का पॉलीमर है तो वो है एंटेरिक कोटिंग पॉलीमर कि जब टैबलेट का एंटेरिक कोटिंग हम करते हैं तो उसके अंदर यूजली सी ए पी सेल्यूलोस थैलेट को हम यूज़ करते हैं कि जो एंटेरिक कोटेड पॉलीमर है उसको क्या कहा जाता है एंटेरिक कोटेड पॉलीमर कि जब आपको एंटेरिक कोटिंग टैबलेट्स बनानी है तो उसके अंदर आप ये स्पेशलाइज पॉलीमर को यूज कर दे कि जो स्टमक के अंदर डिसोल्यूशन को करता है प्रिवेंट ये खास उसका पेन पॉइंट कि स्टमक के अंदर जो डिजो हम कहते हैं डिजोल्यूशन उसको प्रिवेंट करता है एंड टैबलेट को डिजोल करवाता है डिजो ओनली इन इंटेस्टाइन कि जब आपकी टैबलेट स्टमक में होती है तो उसका जो कोटिंग है वो कंप्लीटली प्रिवेंट रहता है और जब वो टैबलेट आगे ट्रैवल करके इंटेस्टाइन में पहुंचती है वह तभी वो डिजॉल्व होती है तो यह है इंपॉर्टेंस ऑफ थैलेट ऑन जो एंटरी कोटिंग टाइप का पॉलीमर है क्वेश्चन नंबर 58। फिल्म कोटिंग इज डन टू अचीव विच प्रॉपर्टी राउंड द एजिस ऑफ द टैबलेट इंक्रीज द बल्क ऑफ टैबलेट बॉथ ए एंड बी और मेक द वाटर रेजिस्टेंस तो फिल्म कोटिंग का सही आंसर है ऑप्शन डी मेक वाटर रेजिस्टेंस या फिर दूसरी वर्ड में कहो तो प्रिवेंट करता है मॉइस्चर मॉइस्चर को प्रिवेंट करवाता है एज वेल एज कई बार हम आ, फिल्म कोटिंग कर देते हैं टैबलेट का आपका समझो कि आपका ड्रग ऐसी है ड्रग है आपकी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है या फिर मॉइस्चर सेंसिटिव हम कहें मॉइस्चर सेंसिटिव क्या आपकी ड्रग या फिर पॉली मटेरियल ऐसा है कि जो टैबलेट आपने बनाई है कि हाइग्रोस्कोपिक है या फिर मॉइस्चर सेंसिटिव है तो उस वक्त आप उसके आसपास ये फिल्म कोटिंग कर देते हैं कि जिससे मॉइस्चर अंदर जाने से प्रिवेंट होता है वाटर का आपको रेजिस्टेंस मिलता है और उसके कारण जो आपकी टैबलेट होती है वो आ, प्रिवेंट होती है फ्रॉम द मॉइस्चर एंड वाटर और जिसके कारण वो रहती है प्रॉपर सेफ कि कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ ऐसे ड्रग्स होती है कि जो मॉइस्चर सेंसिटिव होती है और तुरंत उसके ऊपर मॉइस्चर का इफेक्ट होता है आ, डिग्रीडेशन हो जाता है ड्रग का टैबलेट भी काफ़ी डैमेज हो जाती है तो वो डैमेज ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसके आसपास सबसे पहले फिल्म कोटिंग करते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन टैबलेट पॉलिसिंग इज डन बाय यूजिंग विच पॉलीमर सेलेक एकेसिया जिलेटिन और वैक्सी मटेरियल तो यहाँ पे क्वेश्चन है यूजुअली अबाउट द टैबलेट पॉलिसिंग की जो हम पॉलिस करते हैं जो हम करते हैं पॉलिस तो पॉलिस करने के लिए हम यूजुअली प्रेफर करेंगे वैक्सी मटेरियल कि वैक्सी मटेरियल के जो ऐसे होते हैं कि जो साइनी मटेरियल होते हैं साइन देते हैं हमें पॉलिसिंग देते हैं तो इसके लिए जो वैक्सी मटेरियल यूजली कि समझो कि बीज वैक्स है कर्नुबा वैक्स है वगैरह हम प्रीफर करते हैं ड्यूरिंग द टैबलेट पॉलिसिंग इवन कुछ ऐसे ऑयल्स भी होते हैं कि जो वैक्सी मटेरियल की तरह से काम करते हैं साइनी प्रोवाइड करते हैं पॉलिसिंग करके देते हैं तो ली हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं वैक्सीन मटेरियल्स को क्वेश्चन नंबर सिक्सटी द टैबलेट विच इजीप बिलो द टंग इज कॉल चिवेबल टैबलेट एंटेरिक टैबलेट सबलिंग्यूअल टैबलेट और बकल टैबलेट तो जो टंग के नीचे जो हम रखते हैं कि जो हमारी जीभ होती है जीवा हाँ के जो नीचे हम रखते हैं जो टैबलेट्स को उसको फार्मास्यूटिकली हम क्या कहते हैं तो वो कही जाती है सब टैबलेट किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये है हमारी टैबलेट और ये है हमारी टंग तो आप देखिए ये जो टैबलेट है वो रखी है कंप्लीटली बिलो बिलो टंग कंप्लीटली जीप के नीचे रखी है तो ये टैबलेट्स को हम कहते हैं सब टैबलेट और ये सब टैबलेट ऐसी होती है कि काफ़ी फास्ट डिजॉल्व हो जाती है कि जब इमरजेंसी कंडीशन में क्योंकि सब और इंट्रावेनस दोनों की जो बायोबिलिटी हम देखें तो नियर बाय हंड्रेड होती है कि आईवी की तो आपको हंड्रेड मिलता ही है वैसे ही सब में भी उसका जो एब्जॉर्बसन है वो काफ़ी अच्छा होता है तो उसका भी बायोबिलिटी हमें नियर बाय हंड्रेड मिलता है तो ये है सबलिंग टैबलेट की जिसको हम रखते हैं बिलो द टोंग तो यहाँ पे हमने सॉल्व किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टैबलेट तो ऐसे ही अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल को प्रेस करिए बेल आइकॉन एक्सेस करिए फार्मा रोक्स का ऐप कि जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल वगैरह मिल जाएगा अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से आपको डाउनलोड करिए और अगर आपके पास आईफोन है तो एप्लीकेशन अवेलेबल है ऑन द ऐप स्टोर लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो जरूर से चेक करिए लिंक सो स्टडी मटेरियल मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज फॉर जीपैड पैट नाइपर डी ए फार्मासिस्ट एग्जाम फार्मोरक्स के ऐपों पर मिल जाएंगे For queries, you can call or WhatsApp on this helpline number 9016312020. So, good luck and all the best.